आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पाठक की जीत के बाद बवाल, टीएमसी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में छिड़ा। राहुल का मोदी सरकार पर हमला, राहुल गांधी ने मोदी पर तसाकंच। 24 घंटे में 5000 कोरोना के नए मामले आए सामने, 500 लोगों की मौत। जया बच्चन का बीजेपी पर निशाना, उन्होंने कहा लाल टोपी से डर रहा है यूपी। विक्रम मजीठिया पर केस दर्ज। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा अब अलग अलग जिलों में जा रही है और जनता के बीच जाकर वो विकास के मुद्दों की सौगात दे रही है। वहीं अब बुंदेलखंड के 2 दिवसीय दौरे पर है। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा लेकर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह महोबा पहुंचे। अखिलेश यादव भी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। जन विश्वास यात्रा को लेकर महोबा पहुंचे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और अखिलेश पर तंज भी कसा है। लगातार अखिलेश भी अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, सरकार पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अब महोबा में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा पहुंची है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा के बाद अब बुंदेलखंड के 2 दिवसीय दौरे में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा लेकर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह महोबा पहुंचे, जहां उन्होंने अखिलेश यादव के अनुपयोगी वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि गुंडागर्दी करने वाले सब जेल में हैं और आजम खान भी जेल में है। अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। केंद्रीय नेतृत्व ने 300 प्लस का 300 प्लस का लक्ष्य दिया है। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के नाते संगठन की जिम्मेवारी के साथ और संगठन के कार्यकर्ताओं के बदौलत, उनके परिश्रम की पराकाष्ठा के बदौलत, जनता के आशीर्वाद से 300 प्लस कमल हम खिलाएंगे। राज्य के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। जिस प्रकार अभी सेवा हम लोग जनता का किए हैं, उसी तरह फिर से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में संगठन और सरकार दोनों मिलकर जनता की सेवा। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता दिलीप जुड़ चुके हैं महोबा से। दिलीप, क्या कुछ कहा है स्वतंत्र देव सिंह ने अपनी जनसभा के दौरान? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे जैसे 2022 चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही लगातार सियासी दलों की जो हलचल है वो तेज हो गई है। अब प्रदेश में रथ यात्राओं का जो दौर शुरू हुआ है, अखिलेश यादव रथ यात्रा लेकर आए थे, इसके बाद बीजेपी भी जो जन विश्वास यात्रा लेकर बुंदेलखंड में खासा जो राजनीतिक जमीन अपनी जो सपा मजबूत करने के लिए रथ यात्रा लेकर अखिलेश आए थे, तो अब भाजपा भी अपने उसी प्रदर्शन को दोहराने के लिए रथ यात्रा लेकर और जन विश्वास यात्रा लेकर वोटरों को लुभाने का जोर लगा रही है। आपको बता दें कि स्वतंत्र देव सिंह महोबा पहुंचे, जहां सीधा सीधा अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि गुल्ले जेल में है और आजम खान भी जेल में बंद है, इसलिए सीएम योगी अखिलेश यादव को अनुपयोगी लग रहे हैं। जी, तो जिस तरह से अनुपयोगी बताया है, जनता का रुख कैसा देखने को मिल रहा है?
जी जनता का रुख, अभी जो अखिलेश यादव की रैली हुई थी, रथ यात्रा निकली, अब बीजेपी की चूंकि बुंदेलखंड की जो 19 विधानसभा सीटें हैं वो 19 की 19 सीटें पिछले विधानसभा चुनावों में भाजपा की झोली में गई थी, तो कहीं ना कहीं अन्य विपक्षी दल भी बुंदेलखंड को लेकर बड़े बड़े नेता, खासकर बुंदेलखंड के महोबा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर प्रियंका गांधी हो या अखिलेश यादव हो या अन्य राजनीतिक दलों के बड़े दिग्गज नेता हो, उनका महोबा दौरा लगातार करना और बुंदेलखंड में इतना जोर देना, कहीं ना कहीं ये लगता है कि सियासी दलों के लिए बुंदेलखंड चुनावी दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता दिलीप जुड़े थे महोबा से। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव का चुनावी घमासान 2022 के नजदीक आते आते तेजी पकड़ रहा है। विपक्ष जहां सत्ता पक्ष पर हमलावर है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी सरकार की योजनाओं के तहत होने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से जीत की वापसी के लिए काम कर रही है। इसी कड़ी में बुंदेलखंड के महोबा में उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य विभाग की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने 8,620 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर योजनाओं से लाभान्वित किया। यही नहीं, इस दौरान अखिलेश यादव पर भी हमलावर हुए और कहा कि अखिलेश यादव हताश और बौखलाहट के चलते अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। आयकर विभाग की छापेमारी को अखिलेश पार्टी के चश्मे की नजर से ना देखे, बल्कि ये रूटीन प्रक्रिया है। यही नहीं, उनके द्वारा बताया गया कि कैसे इन 4.5 साल में उनके विभाग ने 70 लाख श्रमिकों को लाभ पहुंचा का काम किया है। जो है मेधावी छात्र पुरस्कार मिला मेरे बच्चों के पढ़ाने के लिए, ताकि आगे बढ़ सके, आगे जो है लिख पढ़ सके, किसी नौकरी पा सके। कैसा लग रहा है आपको, मतलब आज क्या नहीं करेंगे आप? मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। हम बहुत खुश हैं, ये हमें जो योजना का लाभ मिला है 52,000 रुपए, इससे हम बहुत खुश हैं और हम मोदी जी और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने हमारी बेटी के लिए हमको 52,000 रुपए का कहते दिए हैं। इससे हम अपने आगे की बच्ची की पढ़ाई लिखाई और आगे के काम बनाने में। देखिए, जिनके खिलाफ कभी कोई शिकायत रही है, जाति और पार्टी से ऊपर उठ करके ऐसे वांछित लोगों के खिलाफ कार्रवाई पहले से भी होती आ रही है, इसको पार्टी के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। और साथ ही साथ अगर समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी कार्रवाई होती तो समाज। फिरोजाबाद के दो ब्लॉकों में प्रधान पद को लेकर पुनः चुनाव कराया गया। तीनों ग्राम प्रधान लंबे समय तक बीमारी से ग्रस्त होने के कारण उनकी मौत हो गई थी, जिसकी वजह से ये तीनों पद खाली थे, जिनकी वजह से दोबारा पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी में तीनों पदों पर प्रधान चुनाव का आयोजन किया गया और साथ ही चुनाव में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्थिति बहुत अच्छी है, तीन कैंडिडेट हैं प्रधान पद के और 1600 प्लस टोटल वोटर हैं, जिनमें से करीब 1200 वोटर्स अपना मतदान कर चुके हैं। करीब 74% वोट कास्ट हो चुका है हमारा, यहाँ पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और हम सभी अधिकारी, हमारा पुलिस फोर्स, हमारा स्टाफ, सभी लोग तैनात हैं, मौजूद हैं और आगे भी शांतिपूर्ण ढंग से ही मतदान संपन्न कराएंगे हम लोग। नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई वाकयात नहीं हुआ है और ऐसा कुछ। सिद्धार्थनगर में मुख्यालय पर स्थित श्री सिंहेश्वरी मंदिर के संचालक दिव्यांशु महाराज की ओर से मंदिर परिसर में चल रहे कार्यकाल को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि मंदिर परिसर में चल रहे कायाकल्प और निर्माण में लाखों की धांधली की गई है। मंदिर संचालन की ओर से ये आरोप मंदिर परिसर में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही गई। मंदिर परिसर में बन रहे 26 लाख के पार्क की दीवारें और नींव में मंदिर के पुराने ईंटों के साथ घटिया किस्म के रेत और अन्य मटेरियल प्रयोग करने की बात भी कही गई। साथ ही मंदिर परिसर के कायाकल्प में अनुमानित 18 लाख के बजट में लगभग संपूर्ण कार्य का 1/4 ग्रेनाइट का भी कार्य कराया गया है और शेष ग्रेनाइट उठा ले जाने की बात भी कही गई। इसी के साथ ही मंदिर परिसर में साफ पेयजल ना होने की बात भी सामने आई है, इसलिए इस मामले में जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।
मेरा नाम आचार्य दिव्यांशु है और मैं इस मंदिर का संचालक हूँ, अधिकारी हूँ। नगर पालिका द्वारा जो भी कार्य हो रहा है सब गुणवत्ता विहीन कार्य है, मानक के विपरीत कार्य हो रहा है। चाहे ईंट को ले लीजिए आप, चाहे मोरंग को ले लीजिए, चाहे पुराने ईंट को लगा दिया जा रहा है या अथवा नया ईंट जो लग रहा है वो भी सब जो है सेमा ईंटा लग रहा है, तो ये अनुचित है और जो है गुणवत्ता विहीन कार्य हो रहा है, ये कार्य उचित नहीं हो रहा है। मंदिर के सुंदरीकरण और जीर्णोद्धार के लिए नगर पालिका से कार्य कराया जा रहा था, तो जो हमारे भूतपूर्व दिशा से अधिकारी थे उनके द्वारा टेंडर किया गया था और कार्य कराया गया था, तो उसमें उस समय तो कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली थी, पर वर्तमान समय में ये बताया जा रहा है कि गुणवत्ता को लेकर शिकायत मिल रही है, तो इसके लिए एक्शन पीडब्ल्यूडी को लेंगे, एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है, तो अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो निश्चित रूप से ठेकेदार। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता रवि प्रकाश जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ मामला है? जी, आपको बताना चाहेंगे कि एक तरफ जहां योगी सरकार में मंदिर के कायाकल्प को लेकर के विशेष ध्यान दिया जा रहा है जी, वहीं मुख्यालय स्थित श्री सिंहेश्वरी मंदिर में जो मंदिर के संचालक हैं आचार्य दिव्यांशु जी महाराज जी द्वारा जी, जो नगर पालिका द्वारा काम कराया जा रहा है उसको लेकर करके इन्होंने धांधली का आरोप लगाया है, कहा है कि गुणवत्ता विहीन कार्य किया जा रहा है जी, तो इस पे कार्यवाही की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ कार्यवाही होगी इस पे? जी, इसको लेकर के जो एसडीएम महोदय हैं, जो इसके कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, देखरेख है, उन्होंने कहा है कि जांच की जाएगी और जो भी कार्य हो रहे हैं वो गुणवत्तापूर्ण होंगे, किसी प्रकार का कोई गुणवत्ता विहीन कार्य नहीं होने पाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता रवि प्रकाश जुड़े थे सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर जिले में विकास खंड दुमरियागंज के ग्राम पंचायत केवटली नानकार में ग्राम पंचायत के ग्रामीणों तथा मनरेगा मजदूरों द्वारा प्रधान पर आरोप लगाया गया है कि प्रधान अपने चहेते मजदूरों और ग्रामीणों का ही कार्य कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें वोट दिया है। वहीं कुछ ग्रामीण तथा मनरेगा मजदूर ने बताया कि हम लोग दूसरे प्रधान पद के प्रत्याशी को मतदान किया करते थे, इसलिए वर्तमान प्रधान हम लोगों का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं और जब हम उनके घर कोई कार्य कराने के लिए जाते हैं तब वो हम लोगों को वोट ना देने का हवाला देकर घर से भगा देते हैं और हम गरीब मजदूरों से ग्राम पंचायत में मनरेगा कार्य ना कराकर बाहर के ठेके पर मजदूर कर कार्य कराते हैं। अब हम सभी मजदूरों के लिए रोजी रोटी के लिए संकट खड़ा हो रहा है। वहीं ग्रामीण और मजदूरों का कहना है कि सरकार विकास के नाम पर पैसा दे रही है लेकिन ग्राम पंचायतों में राजनीतिक विवाद होने के कारण प्रधान लूट खसूट करने में लगे हुए हैं जो कि सरकार के मंशा पर पानी फेर रहा है। इसी को लेकर नाराज मजदूरों ने ब्लॉक में पहुंचकर प्रदर्शन किया और खंड विकास अधिकारी डुमरियागंज को ज्ञापन दिया है और न्याय की गुहार लगाई है। पे काम कर रहे हैं उनका मस्तूल निकला है, उन्हीं के नाम पे मजदूरी भुगतान हो रही है। इतने लोग जो आए मनरेगा के लिए, जिनका नाम नहीं है उनका नाम नोट किया जा रहा है, उनको भी काम दिया जाएगा। इन्होंने काम के लिए नहीं कहा, इस वजह से इनका नाम नहीं, जो काम मांगेगा उनको हमारा रोजगार देना हमारी प्राथमिकता है। आए हैं, इनका नाम नोट हो रहा है, इनको प्राथमिकता पे रोजगार दिया जाएगा। इन लोगों का कहना है कि इनके पास जॉब कार्ड, मगर आप लोगों ने इसको, इन्होंने वो रोजगार मांगा नहीं, इसी वजह से इनको रोजगार, जिन्होंने रोजगार मांगा उनका मस्तूल मिला, उनको रोजगार मिला। सवाल गिर गवा है, नाली पन्नारा खोले कौन लंग साधन ना है बहाय का, हमारा पूरा पूरा देवाल गिर गवा, मेरे रह का यह ठिकाना नहीं है। अब बोले पर यह कहा तोरे घर से ना, मतलब चाहे गिरे चाहे रहा है, अब बोल दिया जाए कहा तो आओ सब नंबर गाड़ी, अब पुलिस पठे दे 50 गाड़ी दे रहे हैं। ये किसने कहा आपसे? ये कही से हमारे घर ही क्या कही, जैसे के कहा है कि गाय तुमसे तुरे घर से कौन काम प्रधान से उनसे कहा राधे शाम से कहा प्रधान का बोला था, कहा अपने प्रधान के लगे जाओ, अपने मनैन के लगे जाओ, प्रधान हमारा प्रधान जब हारा हमारे प्रधान का यहाँ थाने बन के। और इस खबर पर मैं ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता रवि प्रकाश जुड़ चुके हैं सिद्धार्थनगर से। रवि, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं प्रधान पर, प्रधान का क्या कहना है? जी, जैसे ये विकास खंड डुमरियागंज के ग्राम पंचायत केवटली नानकार का मामला है जहां पर ग्रामीण इतने क्षुब्ध हैं ग्राम प्रधान से, उनका कहना है कि रोजगार उन्हें नहीं मिल पा रहा है मनरेगा के तहत और सारे कार्य ठेकेदारी से कराए जा रहे हैं जी। इसको लेकर के इन्होंने अपना मांग पत्र और एक तरह से धरना भी कहा जा सकता है डुमरियागंज ब्लॉक परिसर में पहुंच करके इन्होंने अपनी शिकायत
खंड विकास अधिकारी को दर्ज कराई है। इस मामले को लेकर के ग्राम प्रधान का कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इन ग्रामीणों के द्वारा अभी तक मांग नहीं की गई थी रोजगार की, अब इन्हें रोजगार दिया जाएगा। और वहीं इस मामले को लेकर के खंड विकास अधिकारी डुमरियागंज अमित सिंह, जो अभी नवागंतुक है, नए आए हुए हैं, इनका कहना है कि इस पूरे प्रकरण का जांच कराया जाएगा और अगर ऐसा कहीं है ठेकेदारी से कार्य कराने का मामला तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ, जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता रवि प्रकाश जुड़े थे सिद्धार्थनगर से। शाजापुर में निशुल्क राशन वितरण का काम शुरू हो गया है, जिसके चलते कोठेदारों के यहाँ राशन देने के लिए काफी भीड़ देखने को मिल रही है। इस बार अन्न योजना के तहत सभी कार्ड धारकों को अनाज, गेहूं के साथ तेल, नमक और चने का भी वितरण किया गया है। बता दें कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ्री राशन का ऐलान अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान किया था। इस योजना से 15 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचेगा। फ्री राशन हर महीने की 5 तारीख से निःशुल्क वितरण शुरू हो जाता था, लेकिन इस बार दिसंबर माह में समय पर खाद्यान्न न आने के कारण वितरण लेट शुरू हुआ। ग्राम पंचायत खजूरी के कोटेदार अमन के यहाँ पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न आया है और सूचना मिलते ही लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। ग्रामीणों ने बताया कि कोटेदार के यहाँ से 5 किलो प्रति यूनिट की दर से 3 किलो चावल, 2 किलो गेहूं वितरण किया जाता है और इसी के साथ 1 किलो चना पैकेट और 1 किलो रिफाइंड और 1 किलो नमक भी दिया जा रहा है। संभल में जिलाधिकारी महोदय संजीव रंजन और मुख्य विकास अधिकारी उमेश कुमार त्यागी ने डीएम ऑफिस के पास बड़ा मैदान बहजोई में टूर्नामेंट का फीता काटकर उद्घाटन किया, जिसमें जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने मैच खेलकर सभी क्रिकेट टीमों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति के सदस्य मंजू दिलेर और रमेश चंद्र बादशाह के सभी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी मौजूद रहे। संभल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजन किया गया मासिक समीक्षा बैठक में मिशन के अंतर्गत संचालित योजनाओं की भौतिक और वित्तीय समीक्षा विस्तृत रूप से की गई है। बुलंदशहर की खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में ट्रेन से कटकर युवक की मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जहां घटना को लेकर पुलिस को ये जानकारी दी गई कि कान में ईयरफोन लगा होने की वजह से मृतक को ट्रेन के आने की आवाज सुनाई नहीं दी। एक तरफ जहां हाल ही में 3 दिन पूर्व रायबरेली आई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं का कार्यक्रम कर महिलाओं को नारी सशक्तिकरण के लिए जागरूक किया, वहीं सलोन कोतवाली क्षेत्र के महाराजगंज के ठामवा गांव का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां छेड़खानी की शिकार हुई पीड़िता सिरफिरे दबंग के आतंक से गांव पलायन कर परिवार सहित अपने मायके चली गई और पीड़िता पुलिस से न्याय की गुहार लगाती रही, पर पुलिस मदद के लिए उल्टा पीड़ित के मायके पहुंची और पीड़िता को धमकाते हुए सुलह का दबाव बनाने लगी। अब देखना यह है कि क्या पुलिस पीड़िता को न्याय दिला पाती है या फिर आरोपियों की ही पैरवी करती रहेगी। क्या नाम है दादा? अमरनाथ। क्या समस्याएं हो रही हैं आपके बेटिया के साथ? हमारी बेटी महाराज उनके किठामा में की हुई है। आप कहां निवासी हैं? सांडा सदन, सांडा सदन तेलपुर वाते और महाराजगंज में की है किठामा, और वो लड़की हमारी आज 3 दिन से हमारे यहाँ आ रही है। किस लिए यहाँ पर है? ये कुछ उनके साथ छेड़खानी हुई है इसलिए यहाँ पर है। पुलिस भी यहाँ आती है, हमको भी धमकियाँ देती है, मेरे लड़की को, मेरे दामाद को। क्या कहती है पुलिस? पुलिस कहती है उठा ले जाऊंगा। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ओम शंकर जुड़ चुके हैं। ओम शंकर, क्या है पूरा मामला? पुलिस आखिर क्यों ही पीड़ितों को धमका रही है? पीड़ित को जो है सिर्फ सुलह के लिए दबाव बनाया जा रहा है और सुलह न करने पर जो है पुलिस धमका रही है। आपको बताते चले कि जिले की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। कहीं ना कहीं पुलिस विरोधियों से पैसा लेके पीड़ित पर ही दबाव बनाती है सुलह का, और सुलह न करने पर वो लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं।
जी, तो दबंगों के बारे में क्या कहना है, दबंगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है पुलिस? हाँ, पुलिस की कहीं ना कहीं संरक्षण मान लिया जाए तो गलत नहीं होगा ये कहना कि पुलिस ही दबंगों को संरक्षित कर रही है, और वो चाहे कि धनुगाही के मामले में हो चाहे जिस मामले में हो, वो उल्टा पीड़ित पर ही दबाव बना रही है कि उन दबंगों से वो समझौता कर ले, लेकिन उसके ना करने पर दबंग खुलेआम आज भी घूम रहे हैं, गिरफ्तारी नहीं हो पा रही और पीड़ित परिवार पलायन को मजबूर है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ओमशंकर जुड़े थे रायबरेली से। संभल के बनिया ठेर थाना के कस्बा जनेटा में महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर देवर को मौत के घाट उतार दिया। अवैध संबंधों के खुलासे की भनक लगने पर आरोपी महिला ने देवर को मौत के घाट उतार दिया। एसपी चक्रेश मिश्रा ने आज हत्या का चौंकाने वाला खुलासा किया है। मृतक के पिता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक व्यक्ति जिसका नाम मुस्तफ़ा है, उसकी डेड बॉडी मिली थी, उसमें पुलिस और एसओजी के द्वारा जांच पड़ताल की गई। इसमें आज दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। मृतक की भाभी जिसका नाम मुस्कान है, वह उस महिला का जिसके साथ अवैध संबंध था, ऐसा एक सैफ अली, इन दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इनके द्वारा घटना में यह स्वीकार किया गया कि ये दोनों के बीच में अवैध संबंध थे। मृतक को इसके बारे में जानकारी मिल गई थी और उसके द्वारा इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया था, जिसके कारण उसी जगह पर इन्होंने महिला के दुपट्टे से गले में फांसी लगाते हुए उस व्यक्ति की हत्या की और उसके बाद उसके शव को घर से निकालकर घर से कुछ दूर पर झाड़ियों के पास में फेंक दिया। इसमें जो प्रयोग में इनका मोबाइल लाया गया था उसको भी बरामद कर लिया गया है व अन्य वैधानिक कार्य। इस खबर पर मैं ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता मुबारक अली जुड़ चुके हैं संभल से। मुबारक, क्या है पूरा मामला, किस वजह से की गई हत्या? आपको बता दूं, जनपद संभल के थाना बनेटे क्षेत्र का पूरा मामला है और उसमें भाभी ने देवर की हत्या कर दी गई है। उसको प्रेम का मामला बताया जा रहा है और ऐसे सामने खुलासा किया है और उसे खुलासा कर जेल भेज दिया गया है। जी, तो किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है मुबारक? धाराओं में 302 और कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल, और प्रेमी को और प्रेमिका को दोनों को जेल भेज दिया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संभल से संवाददाता मुबारक अली जुड़े थे। फतेहपुर में आवारा मवेशियों से किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं। आवारा मवेशियों के झुंड से किसानों में परेशानी का माहौल दिखाई दे रहा है। किसानों का कहना है कि आवारा पशु उनकी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा काफी समय से हो रहा है और उन पशुओं की वजह से किसानों की मेहनत बर्बाद हो रही है। अब आलम यह है कि किसानों को अपने खेतों की रखवाली करने के लिए रात रात भर जागना पड़ रहा है। किसानों की फसल को बर्बाद करते हुए नजर आ रहे, तस्वीरें भी देख सकते हैं आप, किसे खुलेआम मवेशी घूम रहे। फतेहपुर से ये खबर सामने आ रही है जहां किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। खेतों पर रात भर जागने को मजबूर है किसान। आवारा मवेशियों के झुंड से किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अमरदीप जुड़ चुके फतेहपुर से। अमरदीप, कितने समय से मवेशियों से परेशान है किसान? देखिए, ऐसा है कि ये फतेहपुर जिले का ही मामला नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो हर जगह का मामला है। जहां पर अगर हम फतेहपुर जिले की बात करें तो देखा जाए कि जब से कोरोना काल चालू हुआ और जब से सरकार ने जो है आदेश पारित किया जी। तो जानवर ये कुल मिलाकर के झुंड का झुंड बना करके जो खेतों पे पहुंच रहे हैं, जबकि सरकार का एक तरफ ये बराबर सख्त निर्देश है कि आवारा मवेशी जो घूम रहे हैं उनको गौशाला में बंद किया जाए। पर एक बात उठती है कि गौशाला में बंद करने के लिए उनके चारे और पानी की व्यवस्था कौन करेगा? और जो सरकार ने जो आदेश जारी भी किया तो उसमें उतने जो है पशुओं का भोजन व्यवस्था पूरी नहीं की जा सकती है। तो मजबूरी है कि आवारा मवेशी झुंड का झुंड बना करके खेतों में पहुंच रहे हैं। किसान रात रात भर जागकर परेशान हो रहा है। वहीं पर एक और बात आती है शिखा जी कि आखिरकार सरकार ने ये दोहरी नीति कैसे बनाई। ये किसानों का कहना है कि एक तरफ अगर हम फसल को बचाने के लिए कटीले तार लगाते हैं तो दूसरी तरफ सरकार कहती है कि अगर कटीले तारों से जानवर कोई घायल हुआ तो उसकी सीधे FIR जो किसान के ऊपर की जाएगी। कब किसान दुविधा में फंसा हुआ है कि वो कटीले तारों से जानवरों को बचाए
या फिर FIR दर्ज करवाए या फिर अपनी फसल की रक्षा कैसे करें, एक बड़ा सोचनी विषय है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अमरदीप जुड़े थे फतेहपुर से। वहीं रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रायबरेली के युवक की दुबई में मौत हो जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। सवा महीने पहले ही ललित के पिता जय नारायण दीक्षित की अचानक गांव में ही मौत हो गई थी। अब परिजन अपने लाल का शव पाने के लिए प्रशासन और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। बता दें कि डलमऊ का रहने वाला ललित नारायण रोजी रोटी के लिए कई वर्षों से दुबई में रह रहा था। अचानक साथ ही वर्करों ने जानकारी दी कि ललित नारायण नहीं रहा। खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पिछले महीने ही पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने ललित गांव आया था। 5 दिन पहले ही वो वापस दुबई गया था। हालांकि परिजन ये नहीं बता पा रहे हैं कि दुर्घटना कैसे हुई। सूचना मिलने के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खासतौर पर पत्नी और 2 नाबालिग बेटे गुमसुम हो गए हैं। संजय तिवारी, क्या घटना हुई है? ये हमारे साले ललित कुमार दीक्षित दुबई में काम करने के लिए गए थे। इसी 15 तारीख को ही गए थे। 2 दिन उन्होंने काम किया और दूसरे दिन ही कंपनी ने कल 11 बजे दिन में अवगत कराया। कंपनी के किसी आदमी ने वर्कर ने अवगत कराया कि उनका देहांत हो गया वहीं काम करते हुए दुर्घटना में। यहाँ पे परिजन उनके बहुत परेशान हैं, उनकी पत्नी बहुत और उनके परेशान हैं, 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। मैं जिला प्रशासन और सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ, मेरा अभिनंदन अनुरोध है उनके परिवार की तरफ से कि जितनी जल्दी हो सके यथाशीघ्र उनके मृतक शरीर को उनको सुपुर्द करा दिया जाए। सरकार बहुत मेहरबानी होगी। क्या घटना हुई है? भाई खत्म हो गए। क्या कैसी घटना, कैसे कैसे पता चला आपको क्या हुआ है? वीडियो आई। तो क्या मांग करना चाहते हैं जिला प्रशासन सरकार से? हम मांग करना चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमारे भाई की। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।